महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे, दूसरे खंड हमारा चल रहा है और परिवाचकों की धम्म दीक्षा चल रही है। तो बुद्ध ने जो अपना प्रथम जो धम्म उपदेश दिया था वो सबसे पहले शीलों के बारे में धम्म उपदेश दिया कि मनुष्य को हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसको व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी भी तरीके का नशा नहीं करना चाहिए। उसके बाद बुद्ध जो है अष्टांगिक मार्ग की धम्म दीक्षा देते हैं और कहते हैं कि मनुष्य को सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। तो ये दीक्षा दी और फिर अब आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे 10 सद्गुणों की या 10 पारमिताओं की जो बुद्ध ने उन पांचों परिवाचकों को दी। तो बुद्ध कहते हैं कि शीलों के पथ पर चलने के लिए मनुष्य के अंदर 10 गुणों का होना अति आवश्यक है और उसको 10 ये गुणों का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले जो इन गुणों के बारे में बताते हैं वो बुद्ध कहते हैं कि ये 10 जो गुण हैं अगर इनका अभ्यास करते रहेंगे तो यही पारमिता कहलाती है। पारमिता यानी कि गुणों की पारकास्ता ये कहलाती है, तो इनको कहा जाता है। तो वो जो 10 पारमिताएं हैं या जो 10 गुण हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के अंदर दान का एक गुण होना चाहिए। सबसे पहले वो दान के बारे में कहते हैं और कहते हैं कि जो निस्वार्थ रूप से दान किया जाए वही दान कहलाता है, जिसके बदले में कुछ पाने की इच्छा ना की जाए। और दान, धन का तो दान हम कर ही सकते हैं, अपने दूसरों के भलाई के लिए हम अपने अंगों का दान कर सकते हैं या फिर हम अपने प्राणों का भी दान कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं कि दान हमेशा निस्वार्थ होना चाहिए, उसके बदले में किसी भी चीज को पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो गुण वो बताते हैं वो कहते हैं कि शील का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शील यानी कि नैतिक भाव, नैतिक भाव वो जो अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि अकुशल कार्यों को करने से जो रोकता है और हर किसी को अच्छे काम करने चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। तीसरा जो उन्होंने गुण बताया वो बताया कि निष्काम्य होना चाहिए, यानी कि जो संसारिक जो काम भोग है उनका त्याग करना चाहिए, बुरी विचारों को मन में नहीं आने देना चाहिए और संसारिक जो काम भोग है जो क्षणिक होते हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। चौथा जो वो गुण बताते हैं वो बताते हैं कि प्रज्ञा होनी चाहिए। प्रज्ञा यानी कि बुद्धि की निर्मलता, यानी कि बुद्धि ये सोचने ये सोच सके कि कौन से कार्य कुशल हैं, कौन से अकुशल हैं, ऐसे दोनों कार्यों में अंतर कर सके और अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित कर सके, यानी कि बुद्धि के कसौटी पर वो चीज खरी उतरे, यानी कि बुद्धि ये सोचने के लिए तैयार हो
उसकी बुद्धि निर्मल होनी चाहिए, सभी के लिए सम्यक होनी चाहिए कि उसमें कोई बुरा काम ना कर सके कोई भी। तो ऐसी बुद्धि की निर्मलता हर मनुष्य में होनी चाहिए। पांचवा जो वो शील बताते हैं, वो कहते हैं कि जो पांचवा शील यानी कि इनको शील भी कहा जाता है और इनको पारमिता भी कहा जाता है। तो पांचवा जो गुण है वो ये होना चाहिए कि वीर्य यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, यानी कि अगर आपने किसी कार्य को करने का संकल्प ले लिया है तो उस कार्य को आपको किसी भी हालत में पूरा करना चाहिए, बिना उसके परिणाम को वो कार्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसा आपके अंदर संकल्प होना चाहिए। छठा जो गुण बताते हैं, छठा गुण बताते हैं कि मनुष्य के अंदर खंती होनी चाहिए या क्षंति होनी चाहिए कि घृणा मतलब सहनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि घृणा का जवाब घृणा से नहीं दिया जा सकता। घृणा को स्नेह पूर्वक या सहनशीलता से उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन अगर आपसे कोई घृणा कर रहा है और आप भी उसके बदले में उससे घृणा करोगे तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। वो घृणा कभी भी दूर नहीं हो सकती, वो क्रोध कभी भी दूर नहीं हो सकता, उसको केवल सहनशीलता के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर सातवां सील बताते हैं कि सत्यवादी होना चाहिए। सत्यवादी यानी कि किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य का गुण हर किसी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलना बहुत ही एक आवश्यक गुण है और उसी से ही इंसान जो है बहुत सारे दुखों से बच सकता है। तो सत्यवादी हर इंसान को, मनुष्य को होना चाहिए। आठवां वो अनिष्ठान बताते हैं। अनिष्ठान का मतलब यानी कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए, यानी कि आप जिस भी कार्य को आप करने जा रहे हैं उसके प्रति आपको दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं इस कार्य को करूंगा ही करूंगा। तो ऐसे कुशल कार्यों को करने के लिए दृढ़ संकल्प आपके अंदर होना चाहिए। नवा जो है बताया उन्होंने कि मैत्री होनी चाहिए। मैत्री भाव यानी कि मातृत्व का भाव सभी के प्रति होना चाहिए। सब जो मैत्री का जो भाव या मैत्री का जो गुण मनुष्य के अंदर होता है वो ना केवल मित्रों के प्रति होता है बल्कि शत्रुओं के प्रति भी मैत्री का भाव होना चाहिए, और ना केवल मनुष्य के प्रति या शत्रुओं के प्रति बल्कि जीवों के, पशु पक्षियों के साथ भी मैत्री का भाव होना चाहिए। तो सभी के साथ, चाहे जो भी जीव प्राणी हैं, उन सबके साथ मैत्री भाव होना चाहिए। और दसवां जो गुण वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जो है उपेक्षा होनी चाहिए। उपेक्षा का गुण भी होना चाहिए। उपेक्षा की जो गुण है वो उस अवस्था को कहते हैं जहां पर चित्त की एकाग्रता हो जाती है और जहां पर ध्यान से हम उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां हमको ना कोई प्रिय लगता है ना ही कोई अप्रिय लगता है, यानी कि ना ही कोई हमको अच्छा लगता है ना ही हमको कोई बुरा लगता है, यानी कि अच्छाइयों से बुराइयों से दूर जहां हम अपने आप को पाते हैं, जहां उदासीनता से हम अपने आप को भिन्न पाते हैं, उस स्थिति को उपेक्षा की स्थिति कहते हैं। वो गुण जो है आपके अंदर उपेक्षा का कहलाता है, जहां आप ध्यान से अपने चित्त को एकाग्र कर लेते हैं। तो इस तरीके से तथागत बुद्ध ने जो है 10 गुणों को बताया, और 10 गुण ये ऐसे हैं। सबसे पहला जो गुण उन्होंने बताया वो दान का बताया, दूसरा उन्होंने शीलों का, नैतिक भाव का बताया,
तीसरा जो गुण है उन्होंने निष्कम्य यानी कि जो है काम भोगों से दूर रहना चाहिए। चौथा जो गुण उन्होंने बताया है प्रज्ञा बताया कि बुद्धि की निर्मलता होनी चाहिए। पांचवा जो गुण उन्होंने बताया वैर्य कि हर काम को करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। और छठा जो गुण उन्होंने बताया खंति यानी कि हर इंसान के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। सातवा जो उन्होंने गुण बताया वो सत्य बताया कि हर इंसान को सत्यवादी होना चाहिए। और आठवा जो गुण उन्होंने बताया वो बताया कि अष्टांगिक अनुष्ठान यानी कि किसी भी चीज को करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। और नवा जो उन्होंने बताया वो मैत्री भाव बताया जो कि हर जीव प्राणी चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जीव जंतु हो सबके प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए। और दसवा जो उन्होंने गुण बताया वो बताया कि उपेक्षा यानी कि ध्यान से आप अपने चित्त को इतना एकाग्र कर सकते हो कि जहां आप हर अच्छी बुरी चीजों से दूर हो अपने आप को पाते हो, जहां आपके पास उदासीनता नहीं रहती, जहां आपको ना ही कोई प्रिय लगता है ना ही कोई अप्रिय लगता है। तो ऐसा मतलब ऐसे 10 गुणों को हर मनुष्य के अंदर होना चाहिए। तो ये 10 गुणों की जो धम्म उपदेश था ये तथागत बुद्ध ने पांचों परिभाषकों को दिया कि इन गुणों को हर मनुष्य को बहुत ही परम आवश्यक रूप में मतलब उसका अभ्यास उनको करते रहना चाहिए अपने जीवन में, तभी आप हर तरीके के दुखों से मुक्ति पा सकते हो और अपने आप को एक बहुत ही सहनशीलता और बहुत ही अच्छे करुणा मैत्री भाईचारा सब अपने अंदर उस वक्त अपने अंदर आप सब पा सकते हो। तो ये पहले तथागत बुद्ध ने उन पांचों परिभाषकों को शीलों का धम्म उपदेश दिया, फिर अष्टांगिक मार्ग का धम्म उपदेश दिया और फिर 10 गुणों का यानी कि 10 पारमिताओं का धम्म उपदेश दिया। तो यहाँ पर हमारा ये जो अध्याय है ये समाप्त होता है। कल फिर से एक नए अध्याय के साथ आपके सामने सुबह 9 बजे SM न्यूज पर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शिवकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।